अपना भाई वहां पर तो रह नहीं सकता, तो अभी हम इसके लिए एक हॉस्टल देख रहे हैं। तो गाइस अभी हमने इस हॉस्टल में बुकिंग की थी, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आते ही रूम फुल है। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके लिए सरप्राइज है, हमारे साथ एक यूट्यूबर कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस वो आ चुके हैं। गाइस हल्की फुल्की बारिश हो रही है, आपको ऐसा के पीछे दिख रहा होगा। तो हम उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, जस्ट अभी वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और गाइस जो हमारा हॉस्टल है वो ये है, आपको जो पीछे दिख रहा है जहाँ से लाइटिंग आ रही है, ये हमारा हॉस्टल है। गाइस अभी वो कुछ देर के अंदर पहुँच रहे हैं, उनका मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। तो अभी हम उनको रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें हम चेक इन वगैरह करवा के अपने हॉस्टल में रखेंगे। मे भी शायद से बहुत से लोगों ने जानते होंगे, क्योंकि वो भी एक ट्रैवलर हैं, वो भी एक यूट्यूबर हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो गाइज मेक श्योर कि आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब करो। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको फाइनली कहा था कि एक और यूट्यूबर आने वाले हैं, तो आ चुके हैं पीछे एक्सप्लोरर भागी भाई। ये बहुत वन ऑफ द मतलब अच्छी वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर पीछे दिख रहा होगा भाई, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई फाइनली अपना भाई आ चुका है और ये भाई अपना आ गया है, कि अपना भाई आगे थोड़ा सा अम्ब्रेला का थोड़ा सा हो रहा है। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है भाई एक्सप्लोरर भागी से मिलके, बहुत अच्छा है। इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप। सो गाइस वेलकम बैक। अभी गाइस क्या हुआ कि जिस हॉस्टल में मैं रह रहा था ना, वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन का चक्कर पड़ गया। तो गाइस कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती है। तो गाइस अभी हम जाएंगे कोई होटल ढूंढेंगे, मतलब भाई के लिए कोई हॉस्टल ढूंढेंगे, फिर चेक इन करवा के फिर मैं डायरेक्टली मेरे हॉस्टल वापस जाऊँगा। गाइस अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ था 22 तारीख को, 22 जुलाई को। मैं आपको थोड़ा एक बार बता देता हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। कि जैसे कि मैंने भागी भाई को टेस्ट किया था अराउंड मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास, कि भागी भाई साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने कहा ओके भाई लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। वो आए थे मेरे पास अराउंड 8:30 के आसपास, मेरे हॉस्टल में आ गए थे। मेरे हॉस्टल में आने के बाद उन्होंने पहले से अपनी बुकिंग वगैरह कर ली थी, सारी चीज़ें हो रखी थी पहले से। लेकिन जैसे ही वो मेरे हॉस्टल में आए, तो जो हमारी हॉस्टल की जो ऑनर है, उन्होंने कहा कि आपको एक रिसिप्ट चाहिए होगी। गाइस ये चीज़ मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की है, मैंने आपको एक रिसिप्ट दिखाई होगी। गाइस जो रिसिप्ट होती है वो आपका जो स्टे रहता है, अगर आप पहले कोई स्टे करते हो कहीं भी किसी हॉस्टल में, तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि आप कितने दिन तक रहे थे, और वो एज ए प्रूफ रहता है कि आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए और आपके पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए। गाइस वो तो थी नहीं भागी भाई के पास, क्योंकि वो अपने किसी फ्रेंड के पास रुके हुए थे लास्ट 15-20 डेज से। जैसे उनके पास वो रिसिप्ट थी नहीं, तो सीधा हॉस्टल ओनर ने मना कर दिया कि सॉरी वी कांट, आपको हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। गाइस फिर हमने सोचा, क्योंकि हमारा साथ में एक्सप्लोर करने का प्लान था, तो ऐसे भाई को मैं छोड़ नहीं सकता था। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम साथ में मिलकर हॉस्टल ढूंढेंगे। तो हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ अराउंड 9:00 के आसपास स्टार्ट हुआ। हमने पहले एक हॉस्टल बुक किया, हम वहाँ गए, वो अराउंड 1.5 किलोमीटर था मेरे हॉस्टल से, तो हम बाय वॉक ही गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके जैसे हम पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हॉस्टल नहीं है, मतलब यहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हॉस्टल रूम अवेलेबल नहीं है, तो booking.com पे आपके अवेलेबल रूम क्यों दिखा रहे हैं? गाइज वो भी नहीं होना चाहिए ना। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको साइट पर अवेलेबल दिखा देता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी हॉस्टल वगैरह बुक करते हो booking.com पे, मेक श्योर करो कि वहाँ जाने से पहले एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो कि हाँ कि आपका स्टे कंफर्म है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप booking.com से अपना हॉस्टल या होटल बुक करते हो, और फिर वहाँ पर आपको एंड मोमेंट पर जाके पता चलता है कि होता ही नहीं है, मतलब रूम अवेलेबल नहीं होते। उनकी भी कोई गलती नहीं होती है, बीच में आगे कोई अगर कस्टमर वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं तो उन्हें अकोमोडेट करना पड़ता है, अगर बड़ी फैमिली होती है फिर ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो मेक श्योर करो कि आप कॉल कर लो वहाँ जाने से पहले, या फिर अगर आपको कोई टाइमिंग का हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रात को लेट आ रहे हो अराउंड 10 बजे के आसपास आ रहे हो, तो क्या होता है कि बहुत से हॉस्टल अपना रूम वगैरह लॉक कर देते हैं, तो आप पहले से उनको इंश्योर कर दो कि हम थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, आपको बिफोर ट्रेवलिंग पता होनी चाहिए। तो हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ अराउंड 9:00 के पास, हम वहाँ पहुँचे 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास नहीं, मोस्टली हम पहुँच गए थे 9:45 के आसपास पहुँच गए थे वहाँ। जैसे हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि हॉस्टल बुक हो गया। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्टली निकले एक दूसरे हॉस्टल की तरफ, वो था वहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास। हमने वो वाला हॉस्टल वापस से booking.com पे बुक किया, लेकिन हमने किसी भी हॉस्टल का प्री पेमेंट नहीं किया, हमने सारा का सारा हमने पहले वहाँ पहुँच के फ्री पेमेंट किया। क्योंकि क्या पता अवेलेबल मिले ना मिले, ऑलरेडी हमारे साथ 2 बार चोट हो चुकी है, तो 3री बार ना हो जाए, तो इसलिए हमने कभी भी प्री पेमेंट नहीं किया, हम हमेशा
पेमेंट जो करते हैं वो अराइवल के टाइम ही करना चाहिए, अगर हॉस्टल अवेलेबल मतलब ऐसा कुछ भी आपके साथ इंसिडेंस होता है तो। सो हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पर जैसे ही देखा कि वहाँ पर पता चला, पहले तो हमें लोकेशन ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, तो लोकेशन ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो वहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पर जाके पता चला कि वहाँ पर भी हॉस्टल बुक है। सो गाइस फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, ऑलमोस्ट 11:25 PM हो चुके थे। सो हमने यह प्लान किया कि आज हम रात को बाहर ही रहेंगे, पार्क के अंदर सोएंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा था। मैंने भी सोचा कि मैं मेरे हॉस्टल ऑफिस नहीं जाऊँगा क्योंकि भाई को अकेला छोड़ नहीं सकता। मैंने भाई से भी बोला था कि साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, तो ऐसे कैसे खाली छोड़ देता, मतलब ऐसे कैसे अकेला छोड़ देता भाई को। सो फिर उसके बाद हमने सोचा एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर इस बार हो गया तो वेलन गुड, वरना पार्क में सोने का पूरा प्लान था। तो हमने 12:15 पे हमने एक हॉस्टल बुक किया गजान के अंदर। सो लकली वो बुक हो गया, तो हम वहाँ पर जैसे पहुँचे तो वो सिर्फ लास्ट रूम था, सारे की सारी चीज़ें हुई सब कुछ हमने फिर उनको, लेकिन वहाँ पर रिसिप्ट का भी कोई चक्कर नहीं पड़ा, भगवान की दया से वो बच गए कि रिसिप्ट उन्होंने मांगी नहीं। फिर वो हो गया, फिर अराउंड मतलब 12:30 आसपास ये सारी चीज़ें हुई, फिर थोड़ी बहुत भाई से बातचीत करी कि क्या कहाँ एक्सप्लोर करना है अगले दिन से, कहाँ हमें चलना है, तो सारी चीज़ें बात बात करके अराउंड मैं 1 बजे अपने हॉस्टल वापस आया। फिर उसके बाद मैंने मतलब सोचा कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। उस टाइम मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि हॉस्टल वगैरह मिल नहीं रहे थे और सिचुएशन भी थोड़ी सही नहीं थी, तो उस टाइम मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूँ मैं। तो मेक श्योर करो कि आप कभी भी ट्रैवल करते हो इन कजान स्पेशली, आपके पास एक रिसिप्ट होनी चाहिए। रिसिप्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो रिसिप्ट आपके लिए प्रूफ रहेगा कि आप पहले से कहीं पर स्टे करते हुए आ रहे हो, और उसके साथ साथ क्योंकि अगर आपके पास ये रिसिप्ट नहीं हुई तो आपका मे भी फाइन लग सकता है। आपको ये भी इंश्योर कर देता हूँ कि अगर आपके पास ये रिसिप्ट होती नहीं है तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अराउंड 3,000 से 5,000 के आसपास। लेकिन वो अभी कौन कौन सी जगह कंपलसरी हुआ है नहीं हुआ है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेनली कजान में ऐसा किया गया है कि जो आपकी जो रिसिप्ट होती है और आपकी जो रिसिप्ट बनती है उसका डाटा पूरा फीड होता है, और वो मतलब एज ए जो पुलिस का डाटा होता है उन पे भी जाके वो अपडेट होता है कि आप इतने दिन के लिए यहाँ पर स्टे कर रहे हो। और आपको ये चीज़ हेल्प करती है जब आप वापस से इंडिया जाते हो, फिर आप अपने होम टाउन जाते हो, आप जहाँ से मुझे देख रहे हो, तो आप अपने होम टाउन जब वापस जाते हो सो आपको वो रिसिप्ट मे भी एयरपोर्ट पे दिखानी पड़ सकती है। आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतने टाइम तक कहाँ थे, कहाँ रहे, आपने कहाँ घूमा, तो आप रिसिप्ट दिखा सकते हो कि इतने टाइम तक मैं इसी सिटी में घूमा था। सो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो मेक श्योर करना कि रिसिप्ट जरूर रखो, और इसके साथ साथ हॉस्टल जाने से पहले इंश्योर कर लेना कि आपकी हॉस्टल और होटल की बुकिंग कन्फर्म है या नहीं है, ठीक है। अगर प्री पेड है मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है तो पक्का ही कर लो, अगर पेड कर चुके हो तो वहाँ पर जाके ऐसा रहेगा कि आपको कोई ना कोई रूम फॉर श्योर मिल ही जाएगा क्योंकि आपने पहले से पे किया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी मेक श्योर करना कि मतलब है सेफली ट्रैवल करो कोई भी कंट्री में ट्रैवल करते हो, और इन्फॉर्मेशन जरूर रखो इस कंट्री की, मतलब मान लो जो मेन चीज़ें होती हैं आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हो। सो ये सारा का सारा उस दिन का हमारा इंसिडेंस था। तो मूड थोड़ा ख़राब था तो इससे वीडियो पहले मतलब उस टाइम नहीं बना पाया मैं, इससे थोड़ा सा लेट वीडियो बन रहा है। और गाइज थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो आप लोग इंस्टाग्राम पे, और मेक श्योर करो कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे, अभी ट्रैकर के नाम से मेरा यूजर नेम है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और शेयर जरूर कर देना। जितने भी अपने ट्रैवल लवर्स भाई और बहन है मेक श्योर करो कि उनको जरूर आप शेयर करो, ताकि कोई भी कंट्री अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनके पास एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आप कौन कौन सी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके साथ साथ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और बाय, स्टे ट्यून्ड।